पूछा है ओजस्व जैन कोसी, कोसी कला जो है पत्रा के पास, वहां से उन्होंने प्रश्न किया है, बोले महाराज जी धन की सबसे अच्छी गति कौन सी होती है, धन की सबसे अच्छी गति कौन सी होती है। तो शास्त्रों में उल्लेख मिलता है और दान शासन ग्रंथ में भी शायद उल्लेख मिला है कि जो है बोले धन की तीन गति बताई उन्होंने, या तो आप दान कीजिए या भोग कीजिए अथवा तीसरी जो है वह नष्ट होना है। क्या होना है? नष्ट होना है। सबसे अच्छा है, सबसे अच्छी गति है बोले धन मिला, धन वालो बनो दानी, क्या बनो, और कुएं से नहीं निकाला पानी तो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा पानी, कुएं से नहीं निकालोगे नहीं पानी तो सड़ जाएगा पानी। तो इसलिए क्या करना चाहिए बोले सबसे अच्छी गति है कि आप दान कीजिए, क्योंकि तो ध्यान रखना आप कितना ही धन कमा लेना वो साथ जाने वाला नहीं है, सब यहीं का यहीं धर रह जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, मुट्ठी बांध के आया प्राणी हाथ पसारे जाएगा। तो आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, यदि जाएगा तो आपके साथ पुण्य आपके साथ पाप, आपने जो नहीं रह जाएगा। तो क्यों ना हो जब एक पाई एक धागा भी हम साथ नहीं ले जा सकते हैं तो फिर हम धन को कमा कमा के क्यों रखें, किसके लिए रखें, आप कमाया है जो भी आपके पास है आप उसको सदुपयोग कीजिए, दान दीजिए और उसके साथ साथ आप भोग भी कीजिए, अपनी अपनी आजीविका अपनी जो आवश्यकताओं के लिए अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए तो उसका उपयोग कीजिए। अन्यथा ऐसे भी लोग होते हैं ना बहुत धन है अपार धन है ना वो दान देते हैं और ना ही भोग करते हैं, क्या होता है अंत में सारा धन जो है नष्ट हो जाता है, या तो सरकार ले जाती है या अड़ोसी पड़ोसी ठरुआ लोग क्या करते हैं मोल उड़ाते हैं। तो ऐसे भैया धन कमाने से और उसको जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, आप उसका सदुपयोग करें, दान करें और उसमें अपनी आवश्यकताएं करें, वही श्रेष्ठ काल है, इस प्रकार से उसको जानना चाहिए।